ठीक है, अब आगे बढ़े हम। ठीक है चलो, अब यस तो आपने कर लिए थोड़ा जिस्मानी, अपने चेहरे पे हाथ वगैरह फेर, ताकि नींद भी नहीं आए आपको। अच्छे से दोनों हाथ अपने रब करो और अपनी दोनों आंखों पर मस लो, इस तरह से आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, आप दिमागी वर्जिश के लिए तैयार रहिए। ठीक है, देखते हैं किसका दिमाग बहुत जल्दी फास्ट चलता है, हाँ, कौन से बच्चे का, और कौन जल्दी जल्दी जवाब देता है। मैं आपको कुछ पहेलियां पूछ रही हूँ, हाँ, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिडल्स और मराठी में कहते हैं कोडी। देखो मैं पढ़ रही हूँ, बच्चों ध्यान से सुनो। लक्षात पूर्व एका, लक्षात दीउन एका, फूल भी हूँ फल भी हूँ और मैं मिठाई, तो पता बताओ क्या हूँ मैं भाई। फूल नहीं। भी हूँ फल भी हूँ और मैं मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं भाई। चलो जल्दी जल्दी सोचो, डोके चलवा, लौकर लौकर आणि उत्तरे दिया, जल्दी सोचकर बताओ क्या आएगा पहेली का जवाब। नहीं नहीं आ रहा है आपको? नो नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचो। फूल भी हूँ फल भी हूँ और मैं मिठाई, कोई मिठाई का ऐसा एक नाम है जिसमें फूल का भी नाम आता है और फल का भी नाम आता है। नहीं आ जा रहा है आपको? गुलाब वेरी गुड वेरी गुड, जामुन हाँ वेरी गुड, शाबाश। क्या है, देखो आया जवाब। देखे, गुलाब गुलाब जामुन, गुलाब फूल का नाम हुआ और जामुन फल का नाम हुआ, तो इससे मिठाई का नाम बन गया गुलाब जामुन। वेरी गुड, शाबाश। जामुन गुलाब चलिए, जामुन। चढ़े नाक पे पकड़े कान, बोलो बच्चों कौन है शैतान। चढ़े नाक पे पकड़े कान, बोलो बच्चों कौन है शैतान। नाक नाक तोड़ा, कौन नाक तोड़ा, नाक नाक तोड़ा, तोड़ा, नाक तोड़ा। गुस्सा। चढ़े नाक नहीं, पर तुम्हारा पकड़े कान, बोले बच्चों बच्चों अच्छा, मैं आपको कौन है हिंदू, शैतान। आपको हिंदू दूँ? हिंदू देखो, जब हमको साफ तौर पे नजर नहीं आता है तो हम लोग लगाते टीचर हैं, हमको कान नहीं है नाक पर टीचर पकड़े कान, मैं बोले टीचर बच्चों कौन है शैतान। हाँ, देखो हमको जब साफ तौर पे नजर नहीं आता है ना, तो हम उसको टीचर देखने के लिए पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर हमारे टीचर बूढ़ा बूढ़े लोग लगाते हैं, दादा है दादी टीचर है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जवाब दिया किसी बच्चे ने, क्या है इसका जवाब। हाँ, चश्मा चश्मा यानी ऐनक। बोल भाई हो देखो आया ना जवाब, दिखाई दिया चश्मा आपको। हाँ चश्मा ऐनक, किस पार्ट का है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अभी और मैं जोर से बोलती हूँ बेटा, आएगी आवाज। चलो अब इंग्लिश का देखते हैं। वॉट हैज ओके फेस एंड टू हैंड्स बट नो आर्म्स और लेग्स। वॉट हैज फेस एंड टू हैंड्स, उसका चेहरा भी है और उसके दो हाथ भी है लेकिन उसके बाजू और पैर नहीं है। हाँ वॉच वॉच बराबर, वॉच वेरी गुड वेरी गुड। हाँ क्या वॉच है इसका आंसर? वॉच वॉच वॉच, वेरी गुड। अ क्लॉक है ना, क्लॉक जो हम लोग घड़ी लगाते हैं दीवार पर। वॉल क्लॉक हाँ वॉल क्लॉक, देखो आया आंसर, एक क्लॉक, घड़ी, दीवार की घड़ी। क्लॉक अब अगला देखो, व्हाट हैज टू बी वेट ब्रोकन बिफोर यू कैन यूज इट। व्हाट हैज टू बी ब्रोकन बिफोर यू कैन यूज इट, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमको इस्तेमाल करने से पहले उसको तोड़ना पड़ता है। लकड़ी लकड़ी लकड़ी, लकड़ी, हाँ लकड़ी जरूरी नहीं है लकड़ी को हर बार इस्तेमाल करने से पहले तोड़े। यस टीचर नहीं, वो एक खाने की चीज है, एक खाने की चीज है। अंडा हाँ बोलो, सेब सेब
अंडा या नारियल अंडा अंडा, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत होशियार है आप लोग तो, जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं, सबको मालूम है। यस अंडा हाँ, क्या है इसका जवाब? अंडा अंडा, अंडा है ना, जिसका हम लोग को क्या करते हैं, तोड़ने से पहले हम लोग उसको हाँ इस्तेमाल करते हैं। तो एन एग, एन एग हाँ, एन एग एक अंडा। रिक्वायर आंसर एन एग, अंडा। अभी मराठी की देखते हैं। असे कोण आहे जो सगळी काम आपल्या हात ऐवजी नाकाने करतो? असे कोण आहे जो सगळी काम आपल्या हात ऐवजी नाकाने करतो? ऐसा कौन है जो तमाम तमाम सब काम अपने हाथ और नाक से करता है? चलो डोके चलवा, लौकर लौकर डोके चलवा, सोचो जल्दी। डाल से बोलो, टीचर डाल से बोलो। हाँ उर्दू में बोलो। हाँ उर्दू में बोलो ना बेटा, मैं भी तो आपसे उर्दू में पूछ रही हूँ। हाँ अच्छा, आपको हिंट दूँ, एक जानवर का नाम है, एनिमल नेम है। पोलर बेर नहीं, बहुत बड़ा जानवर है वो, और ज्यादा हर काम के लिए अपने अपनी नाक की तरह हाथ का इस्तेमाल करता है। बंदर। हाँ बंदर, बंदर नहीं, बंदर तो अपने दोनों चारों पैरों का इस्तेमाल करता है, आगे के दोनों पैरों का इस्तेमाल करता है। देखो आया जवाब, देखो देखो जवाब क्या है, हाथी। हाथी की सूंड होती है ना, हाथी की सूंड उसकी नाक है ना, और वो उसके हाथ का भी काम करती है। देखो हाथी अपने तमाम सब काम अपनी सूंड से ही करता है वो हाथी। अभी है एका, पानी नाही पाऊस नाही तरी रान कसे हिरवे, कात नाही चुना नाही तरी तोंड कसे रंगले। पानी नाही पाऊस नाही तरी रान कसे हिरवे, पानी भी नहीं है बरसात भी नहीं है फिर भी जंगल हरे भरे हैं, सरसब्ज शादाब है। कात नाही चूना नाही तरी ही तोंड कसे रंगले, कत्था नहीं चूना नहीं फिर भी उसका मुख कैसे लाल है। ना वो पान खाता है ना चूना है ना कत्था है फिर भी उसका मुंह लाल है, जैसे पान खाते हैं ना बड़े लोग, देखो देखे हुए किसी को पान खाने पे मुंह लाल। बच्चों आप लोग आवाज नहीं करो बेटा, फिर मैं क्या बोल रही हूँ आपको नहीं सुनाई देगा गुस्से से। काफी बच्चे अपने माइक मेरे लिए हाँ बोलो कुत्ता। किसी ने कहा, किसी ने सही जवाब दिया, एक बच्चे की आवाज आई मुझे, पत्ते का पत्ते तो कहाँ लाल होते हैं, कुछ पत्ते होते हैं पतंग नहीं। अच्छा हिंट देती हूँ मैं आपको, हिंट देती हूँ, वो एक परिंदे का नाम है, एक परिंदे का नाम है, उसको लोग शौक से घर में पालते भी हैं, एक परिंदे का नाम है तोता। हाँ वेरी गुड, तोता। आपने देखे ना तोते की चोंच कैसे लाल होती है, है ना, वो पान खाता है। पाली हूँ वो भी बहुत सारे पत्ते हैं, वो बहुत रंग बिरंगे हैं वो वाले तोते। हाँ हाँ ठीक, हाँ बेटा अब देखो इसका जवाब तोता है। मिट्टू भी कहते हैं ना टीचर। हाँ इसको मिट्टू भी कहते हैं लोग प्यार से ना, इसको मिट्टू भी कहते हैं। हाँ मिट्टू भी कहते हैं, पाले हैं रंग बिरंगे। हाँ तो इसका जवाब आएगा पोपट, है ना, पोपट हरे रंग का होता है, इसे जंगल की तरह हरा भरा दिखता है और बिना पान खाए उसका मुंह लाल होता है, इसका जवाब आएगा पोपट। और टीचर हाँ मिर्ची भी खाते हैं ना। हाँ मिर्ची खाता है, पेरू खाता है, खाते मिर्ची ना। हाँ ठीक,
हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो जवाब आया पोपट, है ना, पोपट तोता पैरट। अब उर्दू का वो कौन सी चीज है, अभी आखिरी पहेली है बेटा, वो कौन सी चीज है जो चलते चलते थक जाए तो उसकी गर्दन काटने पर वो वापस चलने लगती है। पेंसिल। वेरी गुड, ये तो बहुत होशियार, आखिरी पहेली जल्दी से जवाब दे दिए, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हो। जिसने भी जवाब दिया वो बहुत होशियार बच्चा, सबसे पहले और जल्दी से जवाब दिया, वेरी गुड, शाबाश बेटा। इसका जवाब है पेंसिल। 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 पेंसिल, ठीक है। चलो आज अब आपको मैंने पहेलियां सुनाई ना, जाती तो ना पोड़ी आपको मैंने बताई ना, तो इसी से मिलता जुलता। अब बेटा मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग सुने, तुम्ही आता फक्त शांतपणा ऐका, मी काय म्हणते, जर तुम्ही शांतपणाने ऐकले नसेल तर माझे प्रश्नांचे उत्तर कसे देणार, है ना, इसलिए मैं जो भी पूछूंगी सवाल फिर आप मुझे जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए बेटा ध्यान से सुनो अभी मैं क्या बोल रही हूँ। अभी हमने कोड़िया देखे ना, पहेलियां, इसी से मिलता जुलता हमारा आज का मराठी का सबक है, थोड़ा बहुत इसी से मिलता जुलता है। और आज आपकी इयत्ता तीसरी ची पाठ्य पुस्तक क्या पाठ आहे, पाठ क्रमांक 19 शब्दबाग 2। याद है मैंने आपको बहुत पहले सबसे पहला सबक लिया था शब्दबाग 1, और आज याचे तो दूसरा भाग आहे शब्दबाग 2। शब्द यानी क्या, अल्फाज, बाग यानी जैसे बाग में कैसे गार्डन में बहुत सारे फूल होते हैं, फूलों का बहुत सारा मजमा होता है, है ना, इसी तरह से शब्द बाग यानी अल्फाज का बाग, गार्डन ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पर है ना आपको बघितले तुमचे कोणता पाठ आहे पुस्तकाचे, शब्द बाग 2, हाँ राजचे पाठ आहे शब्द बाग 2, हाँ, आणि पान क्रमांक 30, पान क्रमांक 30, पेज नंबर 30 पर है जो ये आपका सबक है, हाँ शब्द बाग 2। अभी इसमें आपको क्या करना है, ऐका ऐका मी काय म्हणते, या तुम्हाला खूप काही तुम्हाला अक्षरे दिलेले आहे आणि त्या अक्षरांना जोडून तुम्हाला शब्द बनवायचे आहे, नंतर त्या शब्दांना जोडून लहान लहान वाक्य पण बनवायचे आहे। मैं आपको बहुत सारे जो है देखो पहा इथे इकडे पहा स्क्रीन वर बघा, हाँ हे अक्षरे दिलेले आहेत, आता यांना जोडून तुम्हाला शब्द तयार करायचा आहे। आता बघा वरती बघा काय आहे अक्षर, नहीं समझ में आ रहा है बच्चों आपको, डन डग, हाँ नहीं ऊपर देखो ना, वर्ती बगा वर्ती एकदम ऊपर देखो, ऊपर की तरफ कोने में आ आन, हाँ और न है ना, आ और ना को जोड़े तो क्या बन गया शब्द, आन, वेरी गुड, आन, आन मतलब लाओ, आता इथे बघा देखो खड़ी तरतीब में फ है, फणस, ण है और स है, बराबर फ है ण है और स है। फ ण स काय शब्द बनवले, फणस, शाबाश। आता इथे बघा ओढा आणि ढा, हा दोघांनी जोडून काय शब्द बनले बनवले, ओढा ओढा, हा हे बघा आण फणस आणि ओढा हे तीन शब्द आपण आता बनवले।
आता पुढे जाऊया. अभी देखते आगे आणखीन कोण कोण ते शब्द तयार होणार. देखते अभी आगे और कोण कोण से शब्द बनते हैं. हाँ बघा इथे स्क्रीन वर, स्क्रीन पर देखो बेटा. फड़ा फड़ा किती ही अनेक शब्द इथे बनतात. देखो बहुत सारे शब्द बनेंगे यहाँ पर. पहला तो अभी हमने बनाए थे ना आण. आणच्या खाली बघा ला आणि वा. आला आला आणि वाला जोडून काय बनले. ला और वा को जोड़ के क्या बना. लावा 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 मतलब लगाओ है ना. लावा मतलब लगाओ. आणि लावाच्या खाली बघा काय आहे. लावा के नीचे देखो नाक 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 नाक. वेरी गुड वेरी गुड. नाक आणि त्याच क्रमाने एकदम खाली बघा. उसी लाइन में देखो एकदम नीचे देखो बेटा. ढाल ढाल काय आहे. ढाल काय आहे. ढाल ढाल ढाल. बाजूच्या बघा बाजूच्या रांगेत बघा. हा आणि क. ढाळवा. हा क काय बनला. याने हा आवाज देते ना किसी को बुलाते हैं तो हा. त्याच्या बाजूला बघा मामा. हा मामा पण बनला. वेरी गुड. मा मामा 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 म्हणजे कोण. मामू मामू. वेरी गुड वेरी गुड. शाबास. आणि आता बाजूला बघा. फळा 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 म्हणजे काय. फळा म्हणजे काय. हा मतलब बताओ फळाचा. हा हा वेरी गुड. बोर्ड जिसपे टीचर लिखती है ना आपको शाळेमध्ये. शिक्षिका तुम्हाला फळावर लिहून देते शिकवते. हा ब्लॅक बोर्ड. तख्ते सिया. दावा 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 म्हणजे पास पास. दावा उजवा पण म्हणतात ना. डावा उजवा. आता आपण पुढे जाऊया. आणखी बघा इथे मी शब्द लिहिले काय काय बनले होते आपले शब्द. ढग देखो इथे बघा वाघ पण बनते. लावा के बाजू में देखो वाघ भी है. वाघ के बाजू में देखो घ है. वाघ वाघ. हाँ वाघ बनेगा. देखो जहाँ पे ऐसा पिंक मार्क है वहां पर देखो छान बनेगा. छा न छान भी बनेगा. ठीक है. उसके बाद में देखो ऊपर ऊपर लाइन में वर्ती बगा. एकदम ऊपर देखो आण के बाजू में और एक शब्द बनेगा. ढग ढग ढग. ढग म्हणजे काय. बादल बादल. ढगा नहीं बोलेंगे बेटा ढग कहेंगे. ढग ढग म्हणजे बादल. अब ये सारे शब्द मैं उसी जगह देखती हूँ. देखो हमने क्या बनाए. बने थे ना ये सब. ढग छान लावा वाघ. इसमें और एक था सांप. हाँ पग. नाक आँख फड़ा मामा मामा तून तूस तूस डाल डाला मात. देखो कितने कितनी तरी शब्द बनवले ना आपण. देखो कितने शब्द बने उसी एक चौकोर में. चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह. पंद्रह पुढे का. पंद्रह. हाँ आता उभी उभी आहे बघा. अभी खड़ी लाइन में देखो. ऊपर देखो वर्ती बघा. वर्ती कोपऱ्यात. आला है ना. आला खाली बघा. त्याच्याच खाली बघा. उसी लाइन में नीचे देखो. पेढा पेढा
पेड़ा, पेड़ा मिठाई का नाम है ना, पेड़ा पेड़ा। हाँ पेड़ा म्हणते। आता या पुढे जायची आगे प प ग पकड ला पकड हाँ पकड पकड ऊपर आओ उसी लाइन के एकदम बाजू में ऊपर आओ वर्ती बगा वर्ती हसा हसो त्याच्याच बाजूला आहे कळा मतलब दौड़ो भागो हाँ आणि त्याच्या खाली आहे बघा उसके नीचे देखो पड़ा के नीचे धाई लढाई 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 के बाजू में आओ उसके बाजू का खाली कोपऱ्यात आया है ताक 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 म्हणजे काय छाच है ना अभी आता अपन ये शब्द बघू देखो आला वाग वागार नावा नाच मान पाड पेड़ा सॉरी पेड़ा इता चूड़ा आशा हसा पड़ा लादू लादाई चल आता पुढे बघूया आता इथे बघा गिला अभी आड़ी लाइन में देखो आड़ी लाइन में है ना गिला गिला गाल 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 साईता 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 है बाजू में है ताई ताई साई ताई ताई दाल उसी के बाजू में अगर जोड़ेंगे तो हम लोग ओढ़ा भी बनता है देखो वापस से बनेगा ओ ढा ता ओढ़ा है ना बन सकती थी क्या नाक हाँ नाक भी बनेगी हाँ अतः कितनी चौकोनात इस चौकोन में जीवन सत्ता ठीक है हाँ बहुत सारे शब्द बने तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गसा गसा भी बनता है गसा गसा हसा इसको हम क्या कहेंगे एक तरह से अभी आपको तब छोटे हो इसलिए आपको ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे इसको हम मोम्मा भी कहते हैं इस तरह से क्या होते हैं मोम्मे में कभी कभी कुछ हर्फ जो होते हैं वो नहीं भी होते कुछ अक्षर नहीं होते हैं उसको हमको दिमाग से सोचकर ध्यान रख के उसको लिखना पड़ता है फिर वो लफ्ज वो शब्द बनता है अब यहाँ पर आप छोटे हैं ना इसलिए आपको ये चौकोन बेटा मुझे सुनो मैं क्या बोल रही हूँ आपकी किताब में है आपको बनाना भी है होमवर्क भी है आप करेंगे बाद में ये और भी शब्द आप बनाओगे लेकिन अभी सुनो मैं क्या बोल रही हूँ मैंने आपको पहली बताई थी शुरू में पहेलियाँ है ना पहेलियाँ में इसमें क्या फर्क है मैं वो आपको बता रही हूँ पहेलियों में हम लोग ऐसे अंदाजा लगा के जवाब देते हैं ना और ये क्या होता है शब्द भाग में ये जो मोम्मा होता है ऐसा चौकोन में दिया हुआ होता है तो इसमें क्या होते हैं कभी कभी कुछ हर्फ नहीं होते उनको हमको दिमाग लगा के सोचना पड़ता है कि ये यहाँ पे हम कौन सा हर्फ लिखेंगे तो ये हमारा लफ्ज बनेगा ना तो लेकिन अभी आप छोटे हो इसलिए आपको वो नहीं दिया है यहाँ पे आपको ये चौकोन में बहुत सारे अक्षर दे दिए गए बस उनको जोड़ के आपको शब्द बनाना था तो यही फर्क था उसमें पहली में और ये मोम्मे में कोड़ी में ठीक है देखो ये बने अपने शब्द इससे गाल गाल ओढ़ा सही अब आता मैं किती तरी ही शब्द बनवले ना मैंने बहुत सारे शब्द बनाए अभी हमने चौकोन में से अब या शब्दापासून वाक्य तैयार करा अभी उन्हीं शब्दों को जोड़ जोड़ कर हमको जुमले तैयार करने हैं आता इसे बगा राइट साइड लेफ्ट साइड में गा खा पी आण पुष आला आली पेढ़ा वाघ गाणी
फड़ा ताई फणस दूध आता या सगळे शब्दांना जोडून आपल्याला वाक्य तयार करायचे आहे. तर इथे बघा मी वाक्य तयार केले आहेत. पुदीगा पुदीगा हा क्या गादूद. चलो गा को किससे जोड़ गा को किससे जोड़ के हम लोग सही जुमला बना सकते हैं. गा को गा के दूध 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 गा दूध गा तो नहीं बोलते ना बेटा. जुमला सही नहीं लग रहा वाक्य बरोबर नहीं वाक्य चुकी चाहिए. गाणी गा गाणी गा हे वाक्य बरोबर आहे ना. इसको देखो बोलने पर भी हमको समझ में आ रहा है इसका अर्थ क्या है. गाणी गा यानी गाना गाओ है ना. ये छोटा सा जुमला भी बन गया और इसका मतलब भी हमको समझ में आ रहा है. तो अर्थपूर्ण वाक्य बनवायचे आहे आपल्याला. मतलब मीनिंगफुल बनाना है हमको. मतलब ऐसा जुमला बनाने हैं कि जिसके मतलब भी हो. अच्छा, अभी बताओ पेड़ा. हाँ पेड़ा के क्या था क्या जोड़ सकते हैं कौन सा शब्द लेंगे. पेड़ा पेड़ा पू पेड़ा पू नहीं पू कहाँ है. पेड़ा पू तो नहीं है खा है बस. हाँ वेरी गुड. पेड़ा खा पेड़ा खाओ पेड़ा खाओ ये बना ना अर्थपूर्ण वाक्य. गाय समझ में आ रहा ना. पेड़ा दूध दूध. चलो दूध पर बनाओ. दूध पी दूध पी दूध पी. हाँ वेरी गुड शाबाश शाबाश खूब छान खूब छान बहुत अच्छे बेटा. दूध पी यानी दूध पियो पियो दूध पियो पियो. हाँ अभी मैं एक बोल रही हूँ और दूसरा शब्द. चलो बोलो फड़ा नहीं सॉरी फणस. बोलो फणस फणस. फणस के लिए क्या लेंगे हम लोग. गा तो नहीं ले सकते. खा ले सकते हैं ना. फणस खा. फणस मालूम है ना आपको एक फल होता है कटहल बड़ा सा होता है जिसकी उसकी कहते हैं बहुत खुरदुरी होती है बहुत बड़ा फल होता है कटहल. हाँ कटहल कहते हैं ना जिसको हम लोग. जैक फ्रूट जैक फ्रूट. तो फणस खा भी बोल सकते हैं या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं. फणस आण. फणस आण यानी कटहल लाओ. आण यानी फणस आण कटहल लाओ. चलो अभी फड़ा के साथ क्या लेंगे. फड़ा यानी क्या बताई थी मैंने. ब्लैक बोर्ड जिसको इस्तेमाल करते हैं टीचर लिखने के लिए. फड़ा पिस फड़ा पिस फड़ा पिस 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 नहीं है सही. बरोबर वाचा बरोबर वाचा बेटा. अच्छे से पढ़ो क्या है. पीस है के पुस है. फड़ा वाला पुस है. पुस पुस है बेस पुस. पुस यानी साफ करो रब करो मिटा दो. जैसे टीचर डस्टर से कैसे कुछ लिखने के बाद ब्लैक बोर्ड को डस्टर से रब करते हैं है ना मिटा देते हैं साफ करते हैं. तो पुस पुस यानी साफ कर दो पोछ दो. तो फड़ा पुस यानी बोर्ड साफ करो तख्ते सिया साफ करो. फड़ा पोछ दो. फड़ा पुस अभी है. वाघ वाघ म्हणजे कोण. वाघ म्हणजे बताओ. वाघ म्हणजे कोण. एक जनावरचं नाव आहे. पहले मुझे वाघ का मतलब बताओ. वाघ म्हणजे कोण. वाघ म्हणजे काय. हाथी. नहीं अभी तो हमने पहली में देखे थे हाथी को हत्ती बोलते हैं हत्ती म्हणतात. वाघ म्हणजे कोण. वाघ हे जंगलचा राजा आहे. शेर. वेरी गुड. वाघ म्हणजे शेर. शेर शेर. तो शेर के साथ क्या लेंगे. शेर गा. शेर गाना गा. नहीं ना. शेर पी वाघ पी. ये भी सही नहीं लग रहा ना. तो क्या लेंगे वाक के साथ. चलो आप लोग तो बहुत होशियार बच्चे हो. पहलों का कितनी जल्दी जल्दी जवाब दिए मुझे. अभी तो छोटे छोटे जुमले बनाने हैं. वाक के साथ कौन सा शब्द आएगा कि हमारा जुमला सही बन जाए. मिसाला आएगा. वाघ आला. वाघ आला यानी शेर आया. आया कलाता. वाघ भी बोलते और सिंह भी हो बोलते. हाँ सिंह मतलब बेटा शेर बब्बर. आपको स्टोरी थी ना सिंह आणि कोल्हा. तो सिंह म्हणजे शेर बब्बर लायन.
हाँ वाघ यानी शेर, टाइगर वाघ यानी टाइगर, हाँ वेरी गुड, वाघ यानी टाइगर शेर, ठीक है। दोनों में फर्क है, दिखते थोड़े बहुत एक जैसे सिमिलर दोनों, लेकिन दोनों के नाम अलग है और जानवर भी अलग है। दिखने में थोड़ी बहुत इनकी शक्ल शबाहत एक जैसी दिखती है, लेकिन वो लायन के बाल होते हैं के चेहरे के अतराफ में ना, शेर बब्बर के। चलो अता अता ताई, ताई ताई यानी कौन, ताई मंजे कौन, बहन बहन, वेरी गुड, बड़ी बहन, ताई मंजे बड़ी बहन। अता ताई के साथ कौन सा शब्द येणार, आली 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 ताई आली यानी बहन आई, या हम लोग दूसरा भी ले सकते हैं, ताई खा, खा भी जम सकता है, ताई खा यानी बहन खाओ, ताई खा, हाँ। या हम लोग और जोड़ के भी बोल सकते हैं बेटा, देखो कैसे, ताई ताई दूधी, हम लोग जरूरी नहीं बेटा कि हम लोग सिर्फ दो शब्द लेकर ही जुमला बनाए, हम लोग तीन शब्द लेकर भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे ताई दूध पी, हाँ बहन दूध पियो है ना, और ताई फणस आणि पेढा आण, ताई फणस आणि पेढा आण है ना, बहन कटहल और पेढ़ा लेकर आओ लाओ। इस तरह से हम लोग तीन शब्द को जोड़कर भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों, आपको समझ में आ रहा है पार्ट, समझ में आ रहा है आज का, ये बोर हो रहे हैं आप लोग, बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, इन्हें यस कहा, मतलब आज का सवाल अच्छा नहीं लग रहा है आपको, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, कि देखो कितनी आपकी दिमागी वर्दिश हो रही है, और कितनी तुमसे धोखे लौकर लौकर चलते, कितना आपका दिमाग देखो तेज चल रहा है, सोच रहे ना आप लोग, गौर और फिक्र कर रहे हैं ना, कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द सही होगा तो जुमला सही बनेगा, है ना। इस तरह से आपकी दिमाग की वर्दिश हो रही है, तो इसमें आपको बोर नहीं होना चाहिए। पुढे बघूया, यस। आता इथे मी एक चौकोन दिलेले आहे आणि हे ग्रहपाठ आहे, हा होमवर्क, वेरी गुड। इथे पण तुम्हाला शब्द शोधायचा आहे, या चौकोन मध्ये कोणकोणते शब्द बनवते, कोणकोणते शब्द बनवणार ये आपको ढूंढना है, शब्द शोधा, लब्ध ढूंढो। इसमें आपको देखो कैसा कौन सा शब्द बनेगा, पहले में क्या बनेगा मालूम से, समझ में आया, यस। हाँ ये एकदम आपको सीधे सीधे है बेटा, आपको ऐसा ऊपर नीचे नहीं, सीधे सीधे, पहले में है ससा, फिर कान, डोड़े, अंग, रोटी, गवत, फिर खड़े में आएगा, हे तुमचा आजचा गृहपाठ आहे, आज का आपका घर काम है ये, ठीक है। चला आता पुढे जाऊया, आता आपण, मैं आपको शुरू में एकदम बताई थी ना पहेलियां, रिडल्स, कोड़ी, तो वो तो पहेलियां थी, वो पहेलियां अगर आपको अगर और पढ़नी है करनी, तो देखो बच्चों के बहुत सारे ना महीनों के महाना में आते हैं, उसमें ऐसी बहुत सारी पहेलियां रहती है, जैसे गुलबुटे है, उमंग है, बच्चों के फूल है, इस तरह से बहुत सारी बच्चों की किताबें ना हर महीने शाये होती है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें रहती है जो आपकी दिमागी वर्दिश के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसमें आप लोग सोचते हैं, गौर और फिक्र करते हैं। तो इस तरह से जो मॉम में रहते हैं वो अखबार में भी आते हैं, लेकिन अभी तो आप बहुत छोटे हो तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, मराठी, इंग्लिश, उर्दू या भाषेचे वर्तमान पत्र वाचण्याची सवय घाला, है ना। अभी मेरे स्कूल में जो बच्चे हैं ना बेटा, वो लोग इंग्लिश के अखबार और मराठी के अखबार भी पढ़ते हैं, बहुत रवानी से तो नहीं पढ़ते, लेकिन तोड़ तोड़ के थोड़ा रुक रुक के पढ़ लेते हैं बच्चे, तो इस तरह उर्दू का तो पढ़ते ही अच्छे से रवानी से, तो इस तरह से आप लोग भी क्या करेंगे, मराठी के, इंग्लिश के और उर्दू के अखबार पढ़ने की आदत डालिए, इससे आपकी क्या होगी, रीडिंग स्किल, पढ़ने की सलाहियत बहुत बेहतर हो जाएगी आपकी, और बहुत अच्छे से रवानी से पढ़ने लगोगे। उर्दू का तो बहुत लोग बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन इंग्लिश और मराठी का नहीं पढ़ते हैं, तो इंग्लिश और मराठी का भी पढ़ने की आदत डालो। हाँ वर्तमान पत्र मंजे अखबार, न्यूज़पेपर,
ठीक है, पढ़ेंगे ना आप लोग? यस मैम। हाँ, थोड़ा इतना बहुत मुश्किल होता है वो, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा उसमें, अगर एक जुमला है तो उसमें आप एक दो लफ्ज़ तो पढ़ ही सकते हो, है ना? उसका तो पढ़ोगे, फिर पढ़ते पढ़ते आपकी स्किल, रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। फिर इंशाल्लाह चौथी पांचवी तक तो आप लोग एकदम इंग्लिश और मराठी के भी अखबार रवानी से पढ़ने लग जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबक समझ में आया बच्चों आपको आज का? yes, आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? आवाज आई आपको? yes, अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। वैसे भी आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, खूब खूब छान होशियार मुले आए तुम्ही सगड़े, है ना? मला सहयोग दिले शांतिपणाने।